मजदूरों की इमारत में लगी आग, 40 भारतीयों की दर्दनाक मौत, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। कुवैत में हुए इस हादसे पर घटनास्थल का दौरा करने के बाद मंत्री ने एक बयान में कहा, आज जो कुछ हुआ वह कंपनी और भवन मालिकों के लालच का परिणाम है। कुवैत में मजदूरों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार को लगी भीषण आग में 41 लोगों के मारे जाने की आशंका है। खाड़ी देश से मिल रही खबरों के अनुसार मरने वालों में 40 भारतीय हो सकते हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घायलों में भी बड़ी संख्या भारतीय मजदूरों की है। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिण अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में लगी। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रहते थे जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि वहां रहने वाले कई कर्मचारी भारतीय थे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज भारतीय मजदूरों से जुड़ी दुखद आग दुर्घटना के संबंध में दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़े। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख, कुवैत की कुल जनसंख्या में भारत 21% तथा कार्यबल में 30% है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुवैत सिटी में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। खबर है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे राजदूत मौके पर गए हैं, हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों में शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों को पूरी सहायता प्रदान करेगा। कंपनी का मालिक गिरफ्तार, कुवैत टाइम्स की खबर के अनुसार कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने पुलिस को मंगाफ इमारत के मालिक, इमारत के चौकीदार और मजदूरों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को घटनास्थल पर आपराधिक साक्ष्य कर्मियों की जांच पूरी होने तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद मंत्री ने एक बयान में कहा, आज जो कुछ हुआ वह कंपनी और भवन मालिकों के लालच का परिणाम है।